रेडी हैं आप लोग? जी। बजाओ। आदि 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 आदि, ये तो वही चिराग, अपना वाला चिराग। अरे सर, इसने वो किया था ना, जो मतलब हिंदुस्तान में कितने लौंडे नहीं कर पाते। सख्ताई दिखाई थी वरुण, सख्ताई दिखाई थी भाई, इसने रिजेक्ट कर दिया शो पे। क्या बात है यार। रोहित सर, लड़के की थोड़ी हेल्प कर दो सर प्लीज, उसको ना मतलब थोड़े स्टाइल से, स्वैग से, करिश्मा से, मतलब कैसे रिजेक्ट करेगा सर, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना। रेडी हैं आप लोग? जी। बजाओ। आली रे आली, आता तुझी बारी आली, मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ। इंडियन आइडल सीजन 13 में चिराग और काव्या की लव स्टोरी एक इंटरटेनमेंट बन चुका है, और इसमें सबसे ज़्यादा चिराग सबको इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। चिराग को इस वक्त इंडियन आइडल का सबसे फेमस चेहरा बना दिया गया है, क्योंकि उनकी लव स्टोरी की वजह से इंडियन आइडल में एक चटपटा मसालेदार खबर निकल कर आती रहती है। और दोस्तों, इस हफ्ते भी रोहित सेठी रणवीर सिंह के साथ चिराग का ऐसा ही कुछ ड्रामा किया गया, जिसमें चिराग और रणवीर सिंह के साथ रिजेक्ट करने का एक ड्रामा क्रिएट किया गया। और दोस्तों, यही ड्रामे की वजह से इंडियन आइडल एक इंटरटेनमेंट बनता जा रहा है, इसकी दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? आली रे आली, आता तुझी बारी आली।